तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इज के ऑफिशियल एंड येस एम विद द लास्ट पार्ट ऑफ योर यूनिट फोर ठीक है जिसमें हमने ट्रस्ट कंप्लीट कर लिया फ्रेम्स कंप्लीट कर लिया अब बारी है केबल्स की के, ठीक है तो केबल्स के लिए सिर्फ दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इनफ है आपके लिए वैसे ही टाइप का क्वेश्चन आएगा एंड बिलीव मी हो सकता है कि सेम टू तो सेम क्वेश्चन आए जस्ट थोड़े से फोर्सेस इधर उधर हों ठीक है तो केबल्स के क्वेश्चन आप थोड़े से लेंदी होते हैं क्योंकि आपको हर सेक्शन कंसिडर करना होता है मेजरली मैं बोलूँ तो दो क्वेश्चन सेक्शन में ही आपका आंसर आ जाता है ठीक है तो बस आपको वैसे कंसिडर करना है जैसे मैं बोलती आई हूं कि मेथड इम्पॉर्टेंट है प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है प्रोसेस इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ है अदरवाइज करना आपको एक ही चीज़ है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है ना ट्रस में भी हमने देखा फ्रेम्स में भी हमने देख लिया अब आप केबल्स में भी वही चीज़ें देखने वाले हो तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं एंड आपको जैसे पता होगा यूनिट थ्री भी कंप्लीटेड है सिर्फ लैमिस्थेरम बचा वो भी आपका इनसेम वाली वीडियोज़ के अंदर है तो आप जाके वहां से चेकआउट कर लेना यूनिट फोर का ट्रस कंप्लीट हो गया फ्रेम्स कंप्लीट हो गया अब लास्ट लेक्चर है केबल्स का एंड फिफ्थ भी आपका वन शॉट में अवेलेबल है ठीक है तो चलिए यहां पर अब हम स्टार्ट कर लेते हैं केबल्स वाले क्वेश्चन केबल्स वाले क्वेश्चन आपको ऐसे नजर आते होंगे कहीं ना कहीं देखे भी होंगे आपने अगर सॉल्व किया होगा थोड़ा बहुत भी तो तो चलिए अब आपको पेपर में भी देखना है इनको तो पहले ही देख लेते हैं अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो सबसे पहले समझो केबल्स क्या होते हैं तो केबल्स के लिए आपको यह समझना है कि इनका हमें जो मास है वो कंसिडर नहीं करना है ठीक है ये है आपकी केबल ठीक है ये है आपकी केबल जो कुछ नीचे फोर्स अप्लाई किया है तो वो नीचे आ गई है ना तो आप इमेजिन कर सकते हो इन एक्सटेंसिबल होती है एंड इसमें जो फोर्स हम यहाँ पर अब याद एक चीज़, एक चीज़ याद रखो जो कि हम हिंज में करते थे हिंज में करते थे हम कैसे करते थे ऊपर वी ए लेते थे यहां पर एच ए लेते थे केबल में हमें टेंशन फोर्स फोर्सिडर करना है यानी कि आपको कैसे कंसिडर करना पड़ेगा यहां पर आप वी ए नीचे की तरफ कंसिडर करोगे और एच ए इस तरफ कंसिडर करोगे बस इतना ही वेरिएशन है ठीक है समझ में आ गया तो चलो अब जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन क्या है टू लोड्स आर सस्पेंडेड एज शोन फ्रॉम अ केबल ए बी सी डी ठीक है दो लोड्स हैं सस्पेंडेड नोइंग दैट डी सी अब ये जो है ये सैक बोला जाता है इनको डी सी और डी बी यानी कि उतना सैग यानी कि उतना जो नीचे गया है ना हमारा केबल तो वो डिस्टेंस को बोला जाता है हमें डी बी फाइंड आउट करना है डी सी की वैल्यू हमें गिवन है कितनी पॉइंट सेवन फाइव मीटर ठीक है पॉइंट सेवन फाइव मीटर में रिएक्शन एट ए एंड डी फाइंड आउट करने हैं एंड मैक्सिमम टेंशन इन केबल फाइंड आउट करनी है तो इस क्वेश्चन से आपके पूरे के पूरे केबल के कॉन्सेप्ट के क्लियर हो जाएंगे ठीक है तो प्लीज़ अच्छे से फोकस करना क्या करना है आपको देख लो यहाँ पर सबसे पहले जो हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं रिएक्शंस है, है ना एंड जैसे मैंने आपको बताया केबल वाले क्वेश्चन में आपको ऐसे नहीं ऐसे रिएक्शंस लगानी है ठीक है तो मैं यहाँ पर ऐसे कर देती हूँ तो यहाँ पर आपको क्या कौन से टेंशन फोर्स लगानी है ऑफकोर्स केबल में आपको टेंशन मिलती है तो यहाँ पर आप क्या करोगे ऊपर की तरफ मैं वी ए लगा दूंगी एंड इस तरफ मैं एच ए लगा दूंगी ठीक है एंड इसमें भी ऊपर की तरफ मैं वी डी लगा दूंगी एंड इस तरफ मैं एच डी लगा दूंगी और कहीं सपोर्ट नहीं है तो रिएक्शन भी नहीं होगी ये दो रिएक्शन हमें लोड की वजह से मिल रहे हैं ठीक है तो चलिए वही चीज क्या करेंगे हम लगा देंगे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बाय कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अपनी एंटायर केबल के अंदर तो मैं क्या करूंगी सबसे पहले मैं समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो करके देख लेती हूँ मुझे क्या इक्वेशन मिल रही है ठीक है कुछ ना कुछ इक्वेशन मिलेगी आपको तो यहाँ पर देख लो तो ये इस तरफ जा रहा है देर माइनस ऑफ एच ए ठीक है ये उस तरफ जा रहा है तो प्लस एच डी विच इज इक्वल टू जीरो अब कोई एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं है तो सिंपली एक हमें मिल गया एच ए इक्वल टू एच डी ठीक है तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन ठीक है उसके बाद क्या लगाऊं समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो लगा देती हूँ इसका मतलब मुझे क्या मिल रहा है ऊपर की तरफ वी ए है ऊपर की तरफ Vd है ठीक है माइनस नीचे की तरफ 3 है एंड माइनस नीचे की तरफ 2.25 है विच इज़ इक्वल टू जीरो यानी कि मुझे क्या मिल जाएगा Va ए प्लस मिल जाएगा 5.25, ठीक है ये भी एक कंडीशन इक्वेशन जो भी बोलो मिल गया है ठीक है समेशन ऑफ मूवमेंट एट एनी पॉइंट कौन से पॉइंट पे लो ए पॉइंट पे ले लो डी पॉइंट पे ले लो ए पे ले लो इक्वल टू जीरो ठीक है तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ से मेरा थ्री वाला जाएगा कैसे जाएगा क्लॉक डायरेक्शन में जाएगा तो थ्री आएगा इधर एंड इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा टू उसके बाद ये वाला जाएगा इसका क्या हो जाएगा ये भी क्या है क्लॉक जाएगा तो प्लस एंड तो इसके लिए डिस्टेंस हो जाएगा फोर ठीक है उसके बाद देखो तो यहाँ पर एच डी एच डी जो है वो आपके क्या है लाइन ऑफ एक्शन में आ रहा है कैंसिल हो जाएगा वी डी वी डी आपका कैसे जाएगा एंटी क्लॉक वाइज जाएगा तो माइनस वी डी एंड इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू प्लस टू प्लस वन फाइव हो जाएगा विच इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ से सिंपली हम समझ सकते हैं क्या मिलने वाला है वी डी मिलने वाला है ठीक है तो पुट करके देख लो कैलसी के अंदर थ्री इंटू टू यानी कि सिक्स हो जाएगा प्लस टू पॉइंट टू फाइव इंटू फोर तो यहां पर आपको मिलेगा ये फिफ्टीन ठीक है वी डी उधर जाएगा यानी कि फिफ्टीन बाई फाइव आपका डिरेक्टली आंसर आ जाएगा थ्री किलो न्यूटन किसका वी डी का ठीक है वी डी का आपका आंसर आ जाएगा थ्री किलो न्यूटन अब जैसे ही वी डी मिल गया है मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगी तो मुझे वी VA ए की वैल्यू मिल जाएगी तो वी ए क्या हो जाएगा फाइव पॉइंट टू फाइव माइनस वी डी यानी कि माइनस थ्री तो यहां पर आंसर आ जाता है टू पॉइंट टू फाइव किलो न्यूटन किसके लिए वी ए के लिए यानी कि हमारे आधा जो क्वेश्चन है वो यहां पे सॉर्ट होता जा रहा है रिएक्शन ऑन ए एंड बी भी हमें निकालना था ना तो वैसे ही हम कर रहे हैं तो मुझे वीडी और वी ए तो मिल चुका है अब एचए और एच डी जो है वो सेम है ठीक है एच ए और एच डी सेम है तो अभी हम थोड़ा सा उस पर होल्ड करते हैं इसके बाद हम जो सेक्शन लेंगे ठीक है कोई भी सेक्शन ले लो टेक एनी सेक्शन मैं जो मेथड बता रही हूं मैं जो ट्रिक बता रही हूं इससे करोगे तो आपका हर केबल का क्वेश्चन सॉर्ट होता जाएगा सबसे पहले ये वाला सेक्शन कंसिडर करो उसके बाद ये वाला सेक्शन कंसिडर करो समझ में आ गया तो क्या करोगे सबसे पहले ये वाला सेक्शन आप कंसिडर करोगे तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा पहले ये वाला डी है, है ना ये डी है इसका मतलब इस साइड आपका जा रहा है एच डी ऊपर की तरफ आपका जा रहा है वीडी वी डी कितना है वीडी है थ्री तो मैं डायरेक्टली थ्री किलो न्यूटन लिख दूंगी उसके बाद आपका केबल देखो कि तो नीचे आ रहा है ना नीचे आ रहा है ऐसे उसके बाद यहाँ पर नीचे C पर फोर्स लग रहा है कौन सा 2.25 किलो न्यूटन समझ में आ गया 2.25 किलो न्यूटन एंड आप देख सकते हो ये जो है इसकी वैल्यू आपको गिवन है डी सी एंड ये यहाँ से है आपका वन मीटर का ठीक है तो ये डी सी की वैल्यू कितनी गिवन है आपको पॉइंट सेवेंटी फाइव मीटर तो यहाँ से आपको एच डी मिलने के चांसेस हैं ठीक है तो मैं क्या करूंगी समीर एट एनी पॉइंट यानी कि मैं सी पॉइंट पर लगा देती हूँ ताकि मुझे एच सी मिल जाए इक्वल टू जीरो तो मैं क्या करूँगी देखो तो थ्री आपका कैसे आएगा सी की तरफ आएगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि माइनस थ्री और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है वन ठीक है वन उसके बाद मैं देखती हूँ एच डी एच डी कैसे आएगा एच डी आएगा ऐसे यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो प्लस एच डी एंड इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी डी सी जो कि है पॉइंट सेवन फाइव ठीक है इक्वल टू जीरो तो बहुत ज़्यादा सिंपली यहाँ पर आपको एच डी नहीं मिल रहा है देखो थ्री उधर चला जाएगा थ्री डिवाइडेड बाय आपका जीरो पॉइंट सेवेंटी फाइव आपको वैल्यू मिलती है फोर किलो न्यूटन तो एच हो जाएगा आपका फोर किलो न्यूटन ठीक है तो एच हो जाएगा फोर किलो न्यूटन आई होप समझ में आ गया होगा एंड ये एच से मैं समझ सकती हूं कि एच भी अगर इक्वल है देर फोर एच ए विल ऑल्सो भी इक्वल टू फोर किलो न्यूटन बाय वन ठीक है बाय वन आप लिख सकते हो बाय वन ठीक है तो जो सेकेंड क्वेश्चन है वो यहां पर हमारा कंप्लीट हो जाता है एच ए फाइंड आउट कर लिया वी ए वी डी फाइंड आउट कर लिया अब आपको क्या करना है अब आपको फाइंड आउट करना है डीबी ठीक है ये जो डीबी है वो फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप सेक्शन कंसिडर करोगे ठीक है सेक्शन कंसिडर करोगे तो कौन सा सेक्शन जैसे मैंने बोला पहले ये उसके बाद ये वाला सेक्शन तो ये वाला सेक्शन जब आप कंसिडर करोगे तो देख लो यहाँ पर लिख लो मैं दूसरे पेज पर लिख लेती हूँ यहाँ पर जंबल हो जाएगा नहीं तो, तो यहाँ पर आप कैसे लोगे सेक्शन ठीक है यहाँ पर लिखोगे आप सेक्शन उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ ए वाला सेक्शन तो ए वाला सेक्शन ऊपर जाएगा तो वी ए हो जाएगा एंड ये वाला इधर आएगा तो एच ए हो जाएगा एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पर है आपकी लेंथ ऑफ ठीक है जो नीचे गई हुई है एंड यहां से है आपकी केबल है ना यहां से केबल है समझ में आ रहा है ना मैं कैसे कर रही हूं तो यहां पर सिर्फ मुझे फाइंड आउट करना है ठीटा ठीक है तो मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगी यहां पे चाहो तो आप नीचे को यहाँ पर फोर्स भी बना सकते हो लेकिन मैं सिर्फ थीटा के लिए कर रही हूं तो याद रखो कि ये जो वी ए और एच ए होगा है ना ये जो वी ए और एच ए होगा ये उसका रिजल्टेंट होगा ठीक है ये क्या होगा रिजल्टेंट होगा एंड यही रिजल्टेंट का जो एंगल यहां पर आपको एंगल मिलने वाला है वही एंगल यहां पर मिलेगा अब आप बोलोगे एंगल क्यों निकाल रही हो क्योंकि मुझे ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जो कि है डीबी ठीक है ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो मैं क्या लगा सकती हूँ tan लगा सकती हूँ अगर मुझे ये वाला थीटा पता हो ठीक है ये वाला थीटा पता हो अब देखो ये जो है ये पैरेलल है इसका मतलब ये इधर आएगा तो वही चीज हो जाएगी VA इसका मतलब मैं tan थीटा अगर लगाऊं tan थीटा अगर लगाऊं तो मैं क्या लगाऊंगी अपोजिट अपॉन एडजस्टेंट यानी कि एच ए ठीक है अब वी ए क्या है मेरा तो वी ए मुझे मिला हुआ है टू पॉइंट टू फाइव है ना टू पॉइंट टू फाइव और एच ए कितना मिला हुआ है देखो एच ए मिला हुआ है फोर किलोन्य ठीटा हो जाएगा आपका टेन इनवर्स टेन इनवर्स ऑफ टू पॉइंट टू फाइव अपॉन ऑन फोर टू पॉइंट टू फाइव अप फोर तो जल्दी से पुट करके देख लीजिए आपको मिल जाएगा आंसर थीटा का ठीक है तो दैट इज़ योर ट्वेंटी नाइन पॉइंट थर्टी फाइव की वैल्यू कितनी आई है ट्वेंटी नाइन पॉइंट थर्टी फाइव डिग्रीज ठीक है अब ये आपको मिल गया यानी कि इधर का आपको थीटा मिल चुका है इसका मतलब मैं क्या लगाऊंगी अब यहाँ पर जब मैं tan थीटा लगाऊंगी तो यहाँ पर tan थीटा लगाने से मुझे क्या मिलेगा अपोजिट है ना अपोजिट अपॉन आप एडजेसेंट लगाओगे तो यहां पर देखो यहां पर ध्यान दो कि यहां पर ये जो है वो आपका 2 मीटर है है ना यहां पर ये जो है 2 मीटर है एंड आपका अपोजिट जो है वो आपको फाइंड आउट करना है ठीक है अपोजिट यानी कि आपको सिंपली डीबी फाइंड आउट करना है एंड यहां पर इसका एडजेसेंट जो है वो आपका कितना है 2 है ठीक है तो सिंपली आपका tan थीटा की जो आपको वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है यहाँ पर आप टेन ऑफ लिख सकते हो ट्वेंटी नाइन पॉइंट थर्टी फाइव ठीक है टेन ऑफ ट्वेंटी नाइन पॉइंट थर्टी फाइव विच इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू अपोजिट यानी कि डी बी अपॉन एडजेसेंट यानी कि आपकी टू है है ना तो यहाँ से बताओ डी बी की वैल्यू सिंपली मिलेगी कि नहीं मिलेगी तो ऑफकोर्स मिलेगी टू इन टू टेन ऑफ टू tan टेन ऑफ ट्वेंटी नाइन पॉइंट थर्टी फाइव आंसर आपको मिल जाएगा वन पॉइंट वन टू फोर मीटर एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर ऑफ डी बी ठीक है तो इतना आप

मतलब आपकी जो मैक्सिमम टेंशन आएगी वो ये वाले केबल में आएगी ठीक मतलब आप है, है, है आपका थ्री किलो न्यूटन एंड यहां से आप कंपेरेटिवली लिख सकते हो वी डी इज ग्रेटर देन वी एयर फॉर टेंशन मैक्सिमम एट डी ठीक है टेंशन मैक्सिमम एट डी एंड अब आप देख लो कि यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है ये यह डी यहाँ पर एच डी और यहाँ पर ऊपर वी डी तो जैसे मैंने बताया कि आपको क्या है जो आपका एच ए और वी ए जैसे यहाँ पर ऊपर रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में जा रहा था वैसे ही रिजल्टेंट जाएगा एंड यही रिजल्टेंट इक्वल होगा टी मैक्स के इक्वल होगा समझ में आ गया बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है तो यहाँ पर हमें एच डी पता है है ना एच डी कितना है आपका एच डी है आपका फाइंड आउट करा हमने फोर किलो न्यूटन ठीक है फोर किलो न्यूटन और वीडी है आपका थ्री किलो न्यूटन तो सिंपली हम रिजल्टेंट क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते टी मैक्स यहां पर लिखो रिजल्टेंट इक्वल टू टी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फोर का स्क्वायर ले लो प्लस थ्री का स्क्वायर ले लो एंड फाइनली आपको टी मैक्स मिल जाता है क्या फाइव किलो आ, अब ये है टी मैक्स तो किलो न्यूटन ठीक है वही फोर्स कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर ये भी आपका सॉर्ट होता है ठीक है सो आई होप समझ में आ गया होगा ये भी फाइंड आउट कर लिया एंड यही तीन चीजों में से आपको कोई ना कोई पूछा जाएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन पिक करें ताकि आपको समझ में आए कि प्रोसेस क्या है ठीक है तो अगर आपको रिएक्शन कम्पोनेट फाइंड आउट करने हैं तो आप वही कंडीशन ऑफ इक्वेलिब्रियम जैसे मैंने बोला यहाँ के सेक्शन में ज्यादा आपको चीजें मिल सकती हैं तो ये वाला कंसिडर करो पहले उसके बाद आपको डिटरमाइन करना है डीबी डीबी डिटरमाइन करने के लिए आपको पहले थीटा निकालना पड़ेगा एंड देन टेन थीटा से आप निकाल लोगे एंड मैक्सिमम टेंशन इन केबल की बात करें तो मैक्सिमम टेंशन इन केबल आपको पहले एच और एच देखना पड़ेगा एंड देन और वीडी देखना पड़ेगा दोनों में से जो भी ज्यादा हो यहां पर एच uh, और और तो 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 सेम है तो वहां से तो गया सॉरी uh, में, में देखना पड़ेगा तो वीडी जो है वो ज्यादा है तो आपका रिजल्टेंट इधर यानी कि टेंशन मैक्सिमम यहां पर आ जाएगा ठीक है so, सो आई होप समझ में आ गया होगा केबल्स वाला फर्स्ट क्वेश्चन अब हम कर लेते हैं एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड आपका केबल्स का जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगा यूनिट फोर आपका यहां पर क्लियर हो जाएगा ठीक है तो चलिए ऐसा ही क्वेश्चन है अब आप देख सकते हो कि इसमें और कुछ अलग चीजें नहीं आई हुई हैं वैसे ही आपको सब कुछ सॉल्व करना है तो देख लो क्या है यहां पर केबल ए बी सी डी सपोर्ट्स फोर के जी ब्लॉक अब यहां पर आपको जो है न्यूटन में देने के बजाय आपको के जीज के अंदर मास गिवन है एंड वही मास जो है आपको कंसिडर uh, करना है एज अ फोर्स ठीक है तो आप कैसे कंसिडर करोगे हमें पता है हम इन टू नाइन पॉइंट एट वन करते हैं हमें न्यूटन में मिल जाता है वो फोर्स सबसे पहले समझ लो क्वेश्चन क्या है केबल एबीसीडी सपोर्ट्स फोर के जी ब्लॉक एट ई ठीक है फोर के जी ब्लॉक E, अच्छा इस ब्लॉक का नाम E है एंड सिक्स के जी ब्लॉक एफ ठीक है ठीक है एंड डिटरमाइन वॉट डिटरमाइन टेंशन इन द केबल एंड सेग ऑफ पॉइंट बी यानी कि ये सेग फाइंड आउट करना है और मैक्सिमम टेंशन फाइंड आउट करनी है तो कुछ नहीं करेंगे हम वही अपना प्रोसेस करेंगे कौन सा वाला बाय कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बाय कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम समेशन ऑफ एफेक्ट इक्वल टू जीरो यहाँ पर क्या मिल जाएगा समेशन ऑफ़ एफेक्स इक्वल टू जीरो इसका मतलब आपको सबसे पहले लगाने पड़ेंगे रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शन तो इस इसमें इस केस में ऊपर जाएगा वी ए एंड इधर जाएगा एच ए ठीक है अब इसके इसमें मत जाओ कि ये तो ऊपर है एंड यूजुअली नीचे होता है कुछ बात नहीं अगर आपका नेगेटिव में आंसर आ रहा है इसका मतलब आप समझ लो कि आपने जो कंसिडर किया है वो रॉन्ग किया है ठीक है ऊपर यहाँ पर आप वी डी कंसिडर कर लो यहाँ पर एच डी कंसिडर कर लो ठीक है तो अब आप समेशन ऑफ़ एफेक्ट्स इक्वल टू जीरो लगा सकते हो देखो इस साइड आ रहा है आपका माइनस ऑफ एच ए उस साइड जा रहा है आपका प्लस ऑफ एच डी एंड और कोई है क्या नहीं है तो इक्वल टू जीरो सिंपली आपको एच ए और एच डी इक्वल मिल गए यानी कि अगेन हमें टेंशन मैक्सिमम निकालते टाइम वी ए और वी डी के तरफ फोकस करना पड़ेगा ठीक है समेशन ऑफ़ एफ वाई इक्वल टू जीरो करूंगी समेशन ऑफ़ एफ वाई इक्वल टू जीरो तो देख लो क्या आएगा ऊपर की तरफ वी ए प्लस ऊपर की तरफ वी डी नीचे की तरफ फोर के जी यानी कि फोर इंटू नाइन पॉइंट एट वन मैं यहाँ पर कर लूँ तो यहां पर मैं कर लेती हूँ फोर इंटू नाइन पॉइंट एट वन तो यहां पर आंसर आ जाता है इसका कितना थर्टी नाइन पॉइंट ट्वेंटी फोर ठीक है थर्टी नाइन पॉइंट ट्वेंटी फोर एंड ये कैसे जाए नीचे की तरफ है तो माइनस थर्टी नाइन पॉइंट ट्वेंटी फोर ठीक है उसके बाद ये भी नीचे की तरफ है इसका मतलब सिर्फ सिक्स यहां पर लिखना है मुझे तो सिक्स में यहां पर मुझे मिल जाएगा फिफ्टी एट पॉइंट एटी सिक्स फिफ्टी एट पॉइंट एटी सिक्स तो माइनस फिफ्टी एट पॉइंट एटी सिक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा सिंपली आपको बी ए प्लस डी का कोई ना कोई यहां पर आंसर मिल जाएगा क्या मिलेगा तो ये उस साइड जाएंगे मैं पॉजिटिव ले लेती हूं थर्टी नाइन पॉइंट ट्वेंटी फोर प्लस फिफ्टी एट पॉइंट एटी सिक्स यानी कि थर्टी एट सॉरी नाइनटी एट पॉइंट वन आपको आंसर मिलता है कोई ना कोई रिलेशन आपको मिल रहा है ठीक है वन कंसिडर कर लेते हैं समेशन ऑफ मोमेंट कौन से पॉइंट पे ले लें ए पॉइंट पे ले लेते हैं ए पॉइंट पे टू जीरो तो पर आपका क्या आएगा ये एच ये जो है ना फोर फोर के जी आप ये कंसिडर करो अब ठीक है डायरेक्टली ये वैल्यू क्योंकि ये न्यूटन में है है ना न्यूटन में है तो ये जो है कैसे जाएगा ये जाएगा ऐसे यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो माइ क्लॉक यानी कि पॉजिटिव तो थर्टी नाइन पॉइंट ट्वेंटी फोर आएगा एंड इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा वन मीटर ठीक है उसके बाद देखो तो ये जाएगा ये भी कैसे जाएगा ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो प्लस फिफ्टी एंड इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है देखो यहाँ से थ्री यहां से वन यानी कि फोर है ना यहाँ से थ्री यहाँ से वन कि ये वो, ए तक

एटी सिक्स इंटू फोर ठीक है तो यहाँ से ये मिल जाएगा इसको मैं उस साइड लेके जाऊंगी डिवाइड कर दूंगी फोर पॉइंट फाइव के साथ तो मुझे आंसर मिलता है सिक्सटी वन पॉइंट जीरो फोर किलो न्यूटन वीडी का ठीक है सिक्सटी सिक्सटी वन पॉइंट जीरो फोर किलो न्यूटन अब वी डी मिल गया मैं वन में पुट कर दूंगी तो बाय वन मुझे वी ए मिल जाएगा वी ए इज इक्वल टू नाइनटी एट पॉइंट वन माइनस ऑफ सिक्सटी वन पॉइंट जीरो फोर यानी कि नाइनटी एट पॉइंट वन माइनस ऑफ सिक्सटी वन पॉइंट जीरो फोर आंसर मिल जाएगा आपको 37.06 किलो न्यूटन किसके लिए वी ए के लिए समझ में आ गया अब देखो वी ए और वीडी में से कौन ज्यादा है वीडी ज्यादा है तो ऑफकोर्स देख लो आंसर आपका टेंशन मैक्सिमम आपका इस तरफ आएगा ठीक है इस तरफ आएगा टेंशन मैक्सिमम ठीक है तो आप देख लो अब क्या करेंगे हम समेशन हमें एच एच ए और एच डी जो है वो फाइंड आउट करने है उसके लिए हम कोई ना कोई सेक्शन कंसीडर कर लेंगे एंड मैंने बताया हुआ है कौन सा सेक्शन आपको हमेशा कंसिडर करना है ये वाला ठीक है तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ तो यहाँ पर आएगा, आएगा आपका एच डी ऊपर की तरफ आएगा आपका वी डी ठीक है ये डी पॉइंट है एंड इसके नीचे आ जाएगा ये जिसमें नीचे सी आ जाएगा कितना पॉइंट फाइव मीटर ठीक है पॉइंट फाइव मीटर

रही है ठीक है तो ये उधर जाएगा तो सिक्सटी वन पॉइंट जीरो फोर इन टू पॉइंट फाइव यहां पर आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय टू कर लूंगी तो मुझे वैल्यू वैल्यू मिल रही है है किलो न्यूटन एंड एंड जो की है, HA, HA की है, वो सेम हो जाएगी, तो एच ए इज इक्वल टू वॉट फिफ्टीन पॉइंट टू सिक्स किलो न्यूटन अगेन ठीक है कुछ भी नहीं है प्रोसेस फॉलो करते जाना है हाथ अपने चलाते जाने हैं एंड आपको वैल्यूज आपके मिलती जाएगी ठीक है अगर आंसर सपोज करेक्ट भी नहीं आया ना तो प्रोसेस को आपको आधे मार्क्स मिल जाएंगे यानी कुछ ना कुछ तो मिलेगा तो क्वेश्चन ऐसे छोड़ के मत आना ठीक है क्वेश्चन ऐसे छोड़ के मत आना अब देख लो अब क्या है यहाँ पर अब हमने निकाल लिया अब हमें टेंशन निकालनी निकाल है राइट तो टेंशन के लिए हमें पता है वीडी ग्रेटर देन वी ए है यानी कि सिंपली हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है यहाँ पर एच डी एच डी कितना है एच डी देख लो फिफ्टीन पॉइंट टू सिक्स किलो न्यूटन है ऊपर की तरफ वी डी है वीडी कितनी है सिक्सटी वन पॉइंट जीरो फोर किलो न्यूटन यानी कि इस तरफ जाएगा आपका रिजल्टेंट यानी कि टी मैक्स तो टी मैक्स आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हो टी मैक्स आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हो अंडर रूट ऑफ फिफ्टी पॉइंट टू सिक्स का स्क्वायर प्लस 61. जीरो फोर का स्क्वायर ठीक है तो क्या मिल जाएगा देख लो अंडर रूट ऑफ फिफ्टीन पॉइंट टू सिक्स का स्क्वायर प्लस सिक्सटी वन पॉइंट जीरो फोर का स्क्वायर यानी कि सिक्सटी टू पॉइंट नाइन वन एट एक मिनट चेक कर लूँ करेक्ट है तो सिर्फ आपका यही है टी मैक्स ठीक है समझ में आ गया अब एक लास्ट चीज़ हमारी क्या बचती है डी ये वाई बी है ना जो कि सैग हमें फाइंड आउट करना है तो वही प्रोसेस आपको फॉलो करनी है थीटा वाली ठीक है थीटा वाली प्रोसीजर तो मैं यहाँ पर बना देती हूँ एंड यहाँ पर सॉल्व कर दूंगी तो देख लो थीटा यानी कि ये वाला सेक्शन आपको कंसिडर करना है तो ऊपर की तरफ आपका वी ए जा रहा है वी ए आपका कितना है देख लो वी ए वी ए वी एर फाइंड आउट किया है मैंने थर्टी सेवन पॉइंट जीरो सिक्स ठीक है उसके बाद इस तरफ है आपका एच ए एच ए कितना है फिफ्टीन पॉइंट टू सिक्स ठीक है फिफ्टीन पॉइंट टू सिक्स एंड यहां से जो है आपका केबल जाएगा नीचे एंड ये वाला वाई भी आपको जो है फाइंड आउट करना है ये डिस्टेंस है आपका कितना ये वाला डिस्टेंस है वन मीटर ठीक है ना देखो इधर गिवन है वन मीटर क्लियर अब आप क्या करोगे ठीठा फाइंड आउट करोगे ठीक है ठीटा फाइंड आउट करोगे तो यहां पे जो ठीटा होगा ये थर्टी सेवन इधर आ जाएगा ठीक है तो यहां पर से आपको जो ठीटा मिलेगा टेन ठीठा

टेन थीटा इज इक्वल टू वॉट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है ना अपोजिट अपॉन एडजेसेंट तो यहाँ पर आप करके देखोगे तो टेन uh, थीटा जो आपको मिलने वाला है टेन इनवर्स ऑफ अपोजिट अपॉन एडजेसेंट कर लेना आपको मिल जाएगा कितना थीटा थीटा मिल जाएगा सेवेंटी फाइव पॉइंट नाइन सिक्स डिग्री के बराबर ठीक है समझ में आ गया कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा तो चलेगा थीटा की वैल्यू ये है एंड uh, मतलब यहाँ पर जो थीटा होगा वो सेम होगा इसका मतलब कि आप यहाँ पर टेन थीटा लगाओगे टेन थीटा विच इज इक्वल टू वॉट विच इज इक्वल टू आपका है ना? वाई बी अपॉन ये वाला डिस्टेंस यानी कि वन एंड टेन ऑफ थीटा हमें मिला है सेवन फाइव पॉइंट नाइन सिक्स इक्वल टू वाई बी हो जाएगा है ना इक्वल टू वाई बी हो जाएगा तो सिंपली आपको ले लेना है क्या टेन ऑफ टेन ऑफ सेवन फाइव पॉइंट नाइन सिक्स यानी कि आंसर मिल जाएगा थ्री पॉइंट नाइन 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 ठीक है एक मिनट एक यहां पर आपको थीटा जो मिलने वाला है वो थीटा रुको 75.96 मिला एक है नाइन सिक्स एक मिनट देख लेते हैं थीटा आपको मिलने वाला है शिफ्ट ऑफ टेन इनवर्स ऑफ 37.06 डिवाइडेड बाय ऑफ 15.26 तो आपका आंसर होना चाहिए 67 ठीक है यहां पर 67.61 आंसर होना चाहिए ठीक है देखो मैंने जो डायरेक्ट लिखा बस वही गलत हो गया तो 67.61 सेवन यहां पर आपको लिखना है तो आपका जो ऊपर देख लो यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा सिक्सटी यानी कि टू पॉइंट टू ठीक है तो आपका जो वाई बी आएगा वाई बी आएगा टू पॉइंट फोर टू सेवन ठीक है टू पॉइंट फोर टू सेवन मीटर ठीक है तो ये हो गया आपका वाई बी एंड हमारे सब जो क्वेश्चन हमें पूछे हुए थे डिटरमाइन मैक्सिमम टेंशन यानी कि यहां पर आपको मार्क्स मिल गए सागर्ट पॉइंट बी यानी यहां पर आपको मार्क्स मिल गए ठीक है सो आई होप समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं केबल्स के ठीक है तो बस हमने दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए देखो उतना ही टाइम लगा जितना फ्रेम्स के हमें तीन क्वेश्चन करने में लग गया है ना फ्रेम्स के तीन क्वेश्चन केबल्स के दो क्वेश्चन टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है केबल्स के अंदर लेकिन टफ कुछ भी नहीं है अगर आपको पता हो कि आप, आपको करना क्या है है ना आपको पता हो कि प्रोसेस क्या है तो कोई भी चीज आपको हार्ड नहीं जाएगी एंड हमने देखो ये ट्रस का मैंने सारे पी वाई क्यूज आपको करा दिए देन फ्रेम्स के आपको पी वाई क्यूज करा दिए एंड अब केबल्स के भी पी वाई क्यूज हो गए हैं जितने ज़्यादा मतलब जितना सॉल्व करना जरूरी है ना आपको एग्जाम से पहले मैंने सब वो करा दिया यानी कि यूनिट फोर की प्रिपरेशन आपकी पूरी की पूरी हो चुकी है यूनिट थ्री की भी प्रिपरेशन हो चुकी है यूनिट फाइव भी हो गई है अब बचता है यूनिट सिक्स ठीक है तो सिर्फ पहले इतना कंप्लीट कर लो मैकेनिक्स के लिए आप इतना भी करके जाओगे तो आराम से पास हो जाओगे ठीक है आराम से पास हो जाओगे तो बस अब आज के लिए इतना ही ठीक है अब मुझे पता है इसके नीचे कमेंट्स यही आएंगे यूनिट सिक्स यूनिट सिक्स यूनिट सिक्स जो मैं दे रही हूँ पहले उतना पढ़ो ठीक है जितना दे रही हूँ पहले उसको अप्रिशिएट तो करो सब लोग मुझसे जित जो मैं अपलोड करूँगी ना उसके बाद की वीडियो का कमेंट सबसे पहले आ जाता है तो थोड़ा सा ये ऐसा लगता है कि जो दिया है वो लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड आगे की चीजें मांग रहे हैं तो आई एम वर्किंग की हाँ मैं हर वक्त आपके लिए हूं कि आपके लिए मैं वीडियो बना रही हूं ना तो चलिए आज के लिए इतना ही मैं बोल देती हूँ यूनिट फोर यहाँ पे डिक्लेयर हो जाता है डन हो जाता है ट्रस्ट डन केबल डन फ्रेम डन ठीक है तो चलिए अब इतनी चीजें अच्छे से प्रैक्टिस करना ठीक है अच्छे से प्रैक्टिस करना और भी क्वेश्चन चाहिए हो तो मुझे कॉमेंट करो मैं और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए डाल दूंगी ठीक है टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना वहां पर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको डाल दूंगी अगर मुझे कॉमेंट्स आए तो ठीक है चलिए आज के लिए बस इतना ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज लाइक कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय